हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हैं वन माइल हेड। तो हमारी ये 4 दिनों का गोवा ट्रिप आज हम एंड करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, स्टेट इन रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से चपोरा फोर्ट जाएंगे, जहाँ पे दिल चाहता वाला मूवी सीन वहाँ पे शूट हुआ था। तो उस नोट से हम हमारा डे वहीं पे एंड करेंगे और सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो चलिए वहीं तक चलते हैं। और लेकिन उसके पहले चलिए कुछ पेट पूजा हो जाए, उसके बाद ही हम निकलेंगे। तो हम लोग पहुँचे हैं टोमेटोस, कैंडोलिम बीच के पास है, फिर हम वहाँ से चपोरा फोर्ट के लिए निकलेंगे। तो हम पहले पंजिम में थे, पंजिम से हम कैंडोलिम आए, फिर कैंडोलिम से हम लोग चपोरा जाएंगे, एकदम नॉर्थ अंजुना साइड है वो। तो हम लंच करके जस्ट निकले ही थे कि हमारे दोस्त का खुराफाती दिमाग चल गया। हमने एक धमाल का एक वीडियो शूट किया वहाँ पर, जहाँ पे वो हाथ घुसाने वाला। तो चलिए, ये बकचोदी करने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और लगभग 1 घंटे के बाद हम वहाँ तक पहुँच पाए। फिर 1 घंटे तक हम ट्रैवल करें कैंडोलिम से लगभग, और फिर 40-50 मिनट बाद ही हम वहाँ तक पहुँचे। चलिए, आप रास्ते का मज़ा लीजिए, मैं मिलता हूँ आपको चपोरा फोर्ट पे। तो अभी हम जस्ट पहुंचे हैं यहाँ पे चपोरा फोर्ट में, और हम गाड़ी से आए हैं तो हमारा पार्किंग फी अराउंड 50-100 रुपीज़ है 1-2 घंटे के लिए। तो चलिए, मैं थोड़ा आपको बोर करता हूँ चपोरा फोर्ट का हिस्ट्री बताकर। तो ये लोकेटेड है पार्टेज गोवा में, जो कि चपोरा नदी के ऊपर ही है। और ये चपोरा फोर्ट आदिल शाही डायनेस्टी रूलर ने बनाया है, जिनका पूरा नाम आदिल शाह है, और इसे शाहपुरा कहा जाता था, बट पोर्तुगीज़ के रिक्वेस्ट पे इसको शाहपुरा से चपोरा बनाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे पोर्तुगीज़ रूल किया करते थे, बट इन 1683 मराठास ने उन पे एक्वायर कर लिया था, और तभी से इस फोर्ट का नाम चपोरा कर दिया गया।
तो हमने भी डिसाइड किया है कि मैं वहाँ से बाई बस बैक करूँगा वास्को द गामा स्टेशन। तो वास्को द गामा आने के लिए अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको पहले मापुसा बस स्टैंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि अंजुना से वही सबसे पास में है बस स्टैंड। हमें पहले मापुसा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम पंजिम बस स्टैंड आएंगे, फिर पंजिम से हम डायरेक्ट वास्को द गामा का बस पकड़ेंगे। तो इस रूट में अगर आपको चलना है तो आप स्टे ट्यून रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अनुसार बताता रहूँगा। तो अभी हम पहुँचे हैं मापुसा बस स्टेशन। तो काफ़ी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला यहाँ से पंजिम 20 रुपीज़ में बस लेगी। तो मैं बस ढूंढता हूँ अभी जो मुझे पंजिम लेके जाए, फिर वहाँ से हम वास्को द गामा के लिए निकलेंगे। तो अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ और ये हम पंजिम पहुँच गए यहाँ से। पंजिम बस स्टैंड, फिर हम यहाँ से बस पकड़ के, बस लगभग 20 से 30 रुपए लेगी हमें, पूरा वास्को द गामा के स्टेशन के सामने वहाँ पे उतार देगी। तो मैंने ये बस पकड़ा है, अभी आधा घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिर वहाँ से वास्को द गामा से हम स्टेशन जाएंगे, फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के घर। यू यू आर वॉचिंग 1 माइल अहेड और मैं हूँ आपका होस्ट सौरव एंड आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देन 1 माइल एट अ टाइम। बाय बाय।